हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और वैसे तो शिवरात्रि कल थी, तो व्लॉग आज जा रहा है, तो आज भी आप सबको शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हम आए थे आज मंदिर। वैसे हम हर साल ही शिवरात्रि पे मंदिर आते हैं, और इसी मंदिर में आते हैं क्योंकि हमारे घर के बहुत ज़्यादा पास है। और अब हमारे इधर जो मंदिर है ना, बहुत नया बन गया है, बहुत अच्छा बन गया है। तो यहाँ पर मैंने कहा, मैं फ़र्स्ट टाइम ही शायद से मुझे याद नहीं है, मैं पहली बार यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। ये मैं नहीं बना रही हूँ, आशी बना रही है। तो इस बार आशी और सिया को भी हम अपने साथ ले गए थे, क्योंकि हर बार तो हम उन्हें नहीं ला पाते हैं, और वैसे भी शिवरात्रि पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन आज वो दोनों बहुत ज़िद कर रहे थे। मैंने कहा चलो उनको भी लेके चलते हैं मंदिर में। तो बीच बीच में कभी कभी वो आते हैं, जैसे कि अपने पापा के साथ, वो जैसे जन्माष्टमी होती है ना, तब वो आते हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे साथ बहुत कम आ पाते हैं। तो आज आशी और सिया को भी हम लेकर आए थे, और हमने अच्छे से दर्शन करे, जल चढ़ा दिया है, और थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी दिया है मंदिर। बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। तो आप लोगों से सब परिवार हैप्पी शिवरात्रि, है ना। भोले बाबा माँ पार्वती की कृपा आप लोगों के आपके परिवार पे बनी रहे, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, बस यही दुआ करते हैं। तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी हम लोग मंदिर से होकर आए हैं, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स बनाएंगे, अगर ठीक बनाई होगी आशी ने तो मैं आप लोगों से जरूर से मंदिर दिखाऊंगी। बहुत प्यार मंदिर है, हमारे कॉलोनी का ही है, तो आराम से दर्शन होंगे। हाँ, तो हम लोग जल वगैरह चढ़ाकर आ गए वहाँ पे, और अभी 1:15 बज रहे हैं। थोड़ा सा हम लेट ही गए थे, क्योंकि जल्दी जाओ ना, बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे। तो अभी बस अब हम लोग मम्मी और मैं दूध वगैरह लेंगे, और चौलाई के लड्डू लेकर आए थे हम, तो वो खाएंगे व्रत में। तो व्रत के 9 बनी थी, तो आराम से हो गए, दर्शन भी हो गए, पूजा भी हो गई। नहीं, अच्छा हो गया ना। और मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगी मैं, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में पूजा करें, जल्दी जल्दी हम चले गए, तो मैंने कहा चलो आप व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, और मंदिर में आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मंदिर तो सबके अच्छे लगते हैं, क्या ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भगवान जी को भी आपको मिलवा दूंगा, जल चढ़ा के भी थोड़ा हो जाता है कि हमारी पूजा हो गई है। हाँ, ये महल में रहता है कि शिव भगवान को थोड़ा ना जल कर दो, शिवलिंग में तो अच्छा लगता है, क्योंकि हर साल जाता है ना, तो फिर होता है की कोरोना की वजह से जा भी नहीं रहे, बीच में ऐसे हो रहा था माँ, तो सब व्याधियाँ बीमारियाँ सब भोले बाबा दूर करें और सब खुश रहे, है ना। तो बस आशी और सिया को भी आज ले गए थे अपने साथ ना, क्योंकि वो भी ऐसे गई इधर उधर गए नहीं कोरोना की वजह से, तो मैंने उनको बोला चलो तुम भी चल लो, तो दोनों के दोनों चले गए थे हमारे साथ, और उनको बहुत अच्छा भी लगा। वहाँ पे उनको अपनी मौसी मिली, तो इतना आशी में इतनी एक्साइटमेंट हो गया उसको, मम्मी गुड़िया मौसी याद की, गुड़िया मौसी याद की। तो मेरी बहन का घर ही मेरे घर के पास ही पड़ता है ना, तो उनका मंदिर भी वही पड़ता है, तो वहीं आते हैं वो लोग। तो मैं अपनी बहन से ही मिल गई थी वहाँ ने थोड़ा सा, वो तो खैर हम लोग आ रहे थे, वो मंदिर में जा रही थी, तो वो है। और यहाँ पे मैंने दूध जो है गरम कर दिया है, चौलाई के जो लड्डू हैं उसके साथ हम गरम गरम दूध लेंगे, और फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। इसमें है हमने आपको मास्क बिंदी भी, इसमें क्रीम भी इसमें डाल ले, दो इसमें डाल ले, अब एक बार सिखा दे, है ना, बच्चों को भी दे दे, अभी तो भगवान को लगा दो, इसमें डाल दी, इसमें तो डाला ना आपने, अच्छा हाँ, इसमें दूध नहीं मिला ना, अच्छा लगता है ना, दो डाल दे, खाली दूध नहीं पिया जाता ना, दो डाल दे ना, चलिए एक वैसे खा ले, हाँ गिरेगा तू, दो डाल, कितने खाओ, खा ले ना, क्या हो गया, दो इसमें डाल दे, खा लो, तुम्हें लगा यहाँ ये खाना वाला हमको दो खाते हैं, क्या हमें डालना इसमें, जब मैं डालना ना ना, व्रत में नहीं खा सकते ना। तो यहाँ पे दूध में हमने चला एक लड्डू डाल दिए, और इससे कहते हैं दूध आराम से पिया जाते हैं, तो खाली दूध पीने का मन नहीं करता है, तो दो लड्डू इसमें डाल दिए, एक लड्डू हम ऐसे खा रहे हैं। चलिए
टाइम अभी 2:30 बज गए हैं और लंच हो गया है। मतलब आज तो हस्बैंड मना कर रहे थे मेरे लिए खाना मत बनाना दिन में, तो बस पापा थे, सिया और आशी, तो मैंने खिचड़ी बना दी थी मूंग दाल की, तो वो सबसे आसान रहता है वो, सबसे जल्दी बन जाती है, तो मैंने फिर मूंग दाल की खिचड़ी बना दी थी। बर्तन वगैरह वॉश कर दिए, एक प्लेट है पापा ने अभी थोड़ी देर में खाया है, मतलब थोड़ी देर पहले ही खाया है, मतलब तो उसकी उनकी प्लेट है तो वहीं पर है, वो मैं अभी थोड़ी देर में वॉश कर दूँगी क्योंकि एक ही प्लेट है, बाकी मैंने प्रेशर कुकर वगैरह सब कर दिया है, वॉश कर दिया है। और यहाँ पर अभी मैं कपड़े लेकर आई हूँ, ये हैं पता नहीं कल के हैं, इसमें कल के भी हैं, परसों के भी हैं और शायद हो सकता है उससे पहले के भी हों, थोड़े थोड़े कोई कोई तो मैं ले आती थी लेकिन आज मैं सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी ऐसे कुछ काम है नहीं, मैं कपड़े फोल्ड करती रहूँगी और साथ में काम तो खैर क्या नहीं है, मुझे सिया को पढ़ाना है क्योंकि कल है आशी और सिया के टेस्ट एग्ज़ाम है, टेस्ट तो नहीं बोलेंगे एग्ज़ाम ही है इनके, तो यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है खुजली जैसे, तो इनके एग्ज़ाम है, तो सिया का हिंदी का एग्ज़ाम है फर्स्ट, तो ये पढ़ाई करेगी अपनी, मतलब मैं इसको पढ़ाऊँगी साथ साथ में कपड़े ही फोल्ड करती रहूँगी। आशी ट्यूशन चलेगी, आशी 2 बजे ट्यूशन जाती है और आजकल उसकी उनकी दीदी पढ़ा रही है 4:45 या 4:30 बजे तक पढ़ा रही है क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं इस वजह से ना, तो बस मैं भी आशी सिया को थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, ज़्यादा सिलेबस नहीं दिया हुआ है मैम ने, 3 चैप्टर दिए हुए हैं वो मैं इसको करा देती हूँ, और उसके बाद मैं मखाने और मूंगफली जो है फ्राई करूँगी। वैसे जो हमने लड्डू खाए ना चौलाई के, बहुत हैवी हो गया है, लेकिन कभी होता है ना थोड़ा सा भूख जैसी लग जाती है, तो 3:30-4 बजे के टाइम चाय पियेंगे तो फिर मैं वो फ्राई कर दूँगी, तब तक मैंने पढ़ा भी देती हूँ। और सिया का क्या है ना, अभी छोटी है ना तो उसको अभी इतना नॉलेज नहीं है कि मुझे पढ़ना है कल पेपर है, मतलब उसको बोलना पड़ता है बेटा पढ़ ले पढ़ ले। सिया थोड़ी आप आशी थोड़े समझदार हो गए तो वो उसको होता है कि मेरा एग्ज़ाम है मुझे पढ़ना है, लेकिन सिया को अभी इतना नॉलेज नहीं है, उसको ये है कि भाई खींच के लिया है तो वो पढ़ लेती है, नहीं तो उसको इतना वो नहीं है कि हाँ मम्मी मुझे पढ़ा दो, ऐसे नहीं करती है वो, इसलिए मैंने उसे बोला बेटा आ जाओ, तो अब वो बैठ रही है यहाँ पे और हम अब पढ़ाई करेंगे। अभी 3:30 बजे का और मैं जा रही हूँ मखाने और मूंगफली को थोड़ा सा टोस्ट कर लें, फ्राई नहीं टोस्ट कर लें, तो इसको देखो मैंने ऐसी करके सील करा हुआ जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैं नाइफ से करती हूँ आलू को बिल्कुल, तो बहुत इजी मेथड है लेकिन अगर कोई करना चाहे ना तो ये है। और ये मूंगफली हम कल लेकर आए थे, ये 1/2 किलो मूंगफली है और पता है इतनी बड़ी बड़ी मूंगफली है ना ये, तो साइज बहुत बड़ा है, तो थोड़ी सी मैं वो करूँगी रोस्ट करूँगी। और सच्ची बताऊँ मैं आपको ऐसे भूख नहीं लग रही, बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही है, बस ये कि हम लोग ना पानी नहीं पीते हैं फास्ट में, पिया ही नहीं जाता, प्यास ही नहीं लगती है, तो मैंने तो फिर भी एक गिलास गर्म पानी पी लिया था, लेकिन अब गर्मियाँ हों तो हम लोग नींबू पानी वगैरह बना के पी लें, लेकिन सर्दियों में नींबू पानी भी नहीं पिया जाता इस वजह से, और पानी बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, तो पानी व्रत में उसे पीना चाहिए अच्छा रहता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये बना रही हूँ उसके बाद हम लोग चाय पिलाएंगे, तो ये सिर्फ खाने का मन कर रहा है, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है। और इसको बस मैं फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा घी में रोस्ट कर दूँगी, फ्राई बोल रही हूँ रोस्ट करूँगी।
चाय वगैरह हमने पी लिए और मैंने वगैरह नहीं, क्योंकि मुझे एक बड़ा कमेंट आया था आप वगैरह वगैरह बहुत बोलते हो बीच में, तो ना किसी के बोलने में मतलब हो जाता है थोड़ा सा, आदत वाली बात है कि आदत पड़ जाती है, तो मेरे मुंह से जो भी निकलेगा उसके बाद वगैरह जरूर निकलता है, खाना वगैरह, चाय वगैरह, वगैरह का मतलब कि चाय के साथ हम जो चीज़ खा रहे हैं वो वगैरह में जाएगी तो इसलिए चाय हमने पी ली है। चाय पी हुए अभी नहीं, अभी बहुत टाइम हो गया, 4:30 बजे पी थी, अभी 5:15 बज गए। फिर थोड़ा सा बस ऐसे मैं कपड़े छत से लेकर आई, कैंडी को छत में छोड़ा और पर्दे वगैरह लगा दिए मैंने, और आज यहाँ पर हल्का हल्का गर्म होने लग गया है, मतलब यहाँ कल भी गर्म जैसे था आज भी गर्म लग रहा है, सिर्फ जो ठंड है सिर्फ सुबह और शाम की हल्की हल्की ठंड है, अदरवाइज मौसम बहुत अच्छा वाला हो गया है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा वाला है मौसम, मतलब कुल मिला के अच्छा हो गया है। और अभी आज हम ना डिनर में बना रहे हैं, आलू के गुटके बनाएंगे और दाल बनाएंगे, और आपको पता है यहाँ पे कद्दू कहीं नहीं मिला है, कद्दू कहीं नहीं, हमारे लंबे लंबे वाले कद्दू मिल रहे थे और वो वाले मम्मी बड़े स्वाद नहीं होते हैं, तो इसलिए हम वो लेकर नहीं आए। एक जगह कद्दू मिल रहा था, इतना कद्दू आप यकीन नहीं मानोगे, जितना मैंने हाथ दिखा रहे सिर्फ इतना ही कद्दू था, 50 रुपये किलो, तो चलो कोई नहीं, अब 50 रुपये किलो हम ले रहे थे, लेकिन वो इतना सा कद्दू 70 रुपये का बोल रहा था, तो वो लग नहीं रहा था लेकिन 70 रुपये का, फिर हमने नहीं लिया। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब ऐसे फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं, क्या फेस्टिवल होता है और चीज़ें कम होती हैं, तो उस टाइम पे यही होता है, तो हमें जितना हमने सब्जी वालों के पास देखा कद्दू नहीं मिला। आज मम्मी को सब्जी वाले भैया के पास था, वो लंबा वाला कद्दू था, लेकिन वो मम्मी बोले अच्छा ही लगता है, तो फिर हम इसलिए कद्दू नहीं बना रहे हैं आज। आज हम आलू के गुटके बनाएंगे और साथ में फिर मैं बोली मम्मी दाल बना देते हैं, क्योंकि हम मतलब ऐसे भूखे पेट भी नहीं, लेकिन हम फास्ट में रहते हैं ना, फिर एकदम से बहुत ही हैवी वाला खाओ ना तो एसिडिटी से हो जाती है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि लाइट ही बनाएं। मम्मी तो बोलती थी कि पनीर ले आते हैं, फिर मैंने मम्मी को मना कर दिया, पनीर रहने देते हैं, मैं अरे की दाल बनाती हूँ और सिंपल से आलू के गुटके बनाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो, और पूड़ी बनाएंगे उसके साथ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी मैं बॉयल करने रख देती हूँ, क्योंकि कल आशी और सिया दोनों का एग्ज़ाम है, सिया को मैंने थोड़ा सा पढ़ाया, थोड़ा सा मुझे और पढ़ाना है, आशी के साथ भी थोड़ी देर में बैठूंगी क्योंकि उसका एग्ज़ाम है कल, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वैसे वो बोली मैंने चैप्टर पढ़े हैं, लेकिन फिर भी बैठ के थोड़ा सा तो बच्चों को देखना ही पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम है और फाइनल एग्ज़ाम है, इसलिए तो फटाफट से मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा जितना मेरे से हो सके उतना मैं कर देती हूँ, और फिर हम लोग खाना बनाएंगे और फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे। यहाँ पे पता है ये बर्ड इतना प्यारा बोल रही है ना, आपको दिख रही है, ये देखो इतनी सुंदर इसकी आवाज़ आ रही है ना, मन कर रहा है कि बार बार सुनती रहूँ। ये वाली देखो, ये देख रहे हो आप कितनी सुंदर आवाज़ निकाल रही है, आई थिंक ये आवाज़ मार रही है अपने साथ जो भी है। ये देखो वाह कितनी प्यारी लग रही है, फ़ोन पे पता नहीं इतना दिख रही नहीं दिख रही है, लेकिन वैसे बहुत क्यूट लग रही है। वाह इसके साथ के कोई आया ना, देखा आपने, ये दोनों मुझे लग रहा है जोड़ा है शायद, ये देखो वहाँ पे चिल्लाने लग गई है, वो बहुत प्यारी लग रही है। व्लॉग बनाते बनाते मुझे ये देखो फिर आ गया, आपने देखा मतलब ब्लॉग बनाते बनाते मुझे आवाज़ सुनाई थी, इतना अच्छा लगा सुनने, मुझे लगा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने आपको दिखाया भी, और यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग उस टाइम पे बना रही थी, तो मैंने ब्लॉग को बंद करा, और आप लोगों को शायद आवाज़ अब आएगी, वो यहीं पे बोल रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और होता है ना ऐसे हम लोग मतलब जिन लोगों को इन चीज़ों को सुनना देखना पसंद है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद आता है ऐसे कोई बर्ड हमारे तरह आती है बोलती है, मन करता है सुनते रहो सुनते रहो। और इसमें मखाने और मूंगफली थी जो कि ख़त्म हो गया, आशी और सिया भी खा ली है, तो अब बस। और इस कढ़ाई में मैंने कल थोड़ा सा घी बनाया था, तो इसमें मैंने घी रोस्ट कर दिए थे, इसको हल्का सा साफ कर लेंगे, इसमें फिर आड़ के गुटके बना देंगे, ये पैकेट्स पड़े हुए हैं इन सबको हटाती हूँ। मखाने तो आशी और सिया खा रहे हैं, तो ये भारी रहने देती हूँ, ख़त्म कर देंगे तो ठीक ही है, फोड़ते ही अपने, ये मूंगफली मैं हटा देती हूँ, और बस अपने जो काम है वो शुरू करते थे। यहाँ पे देखो ये फ्लावर पॉट, ये वहाँ ऊपर आरो के ऊपर था, तो पता नहीं ये अपने आप ही गिर गया, दड़ौंग देने की आवाज़ आई, तो इसको ऊपर रखती हूँ मैं। और ये बॉटल ना पता है मैंने सिया के जब स्कूल में था ना, कुछ बॉटल से कुछ बनाना था तब मैंने बनाया था, शायद मैंने आपको दिखाया भी था ब्लॉग में, तो इसलिए फेंकने का मन नहीं करता, मम्मी ने ही हाथ दिया, बल्कि ये देखो निकलने लगे इसके चिल्ले मिले, तो मम्मी ने फिर ये आलू के ऊपर रख दिया था। इधर मैं पूरा भी साफ करती हूँ, बहुत कीचड़ पिचड़ सा हो रहा है, और अच्छे से क्लीन करती हूँ। देव गे देव
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गंगे धारा ओम जय शिव ओंकार कानन चतुरानन भोले पंच। और यहाँ पे मम्मी और मैं कर रहे हैं पूजा, मतलब आरती वगैरह साथ में करते हैं, आप लोगों को पता है हमेशा आप देखते ही हो। और इसके बाद मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई, तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबसे नए वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।